हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट आपके सामने में डिस्कस करने जा रहे हैं, और मैं आपसे एक दो सवाल भी पूछूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो कंसेप्ट है उसको आप कितना बेहतर तरीके से लर्न कर चुके हो, और क्या अगर आपने लर्न किया है तो क्या आप उसको इंटरप्रिटेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या वो सवाल है। ये सवाल का नाम है मैग्नेट रिंग प्रॉब्लम। आप सब लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार आपने रिंग और मैग्नेट के प्रॉब्लम्स पढ़े होंगे, रिंग मैग्नेट प्रॉब्लम। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट है, तो मैं इसको यहां पे डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने में। लेट अस सपोज करिए कि हमारे पास एक रिंग है, इस तरीके का हमारे पास एक रिंग है, और मैंने यहां पे इस रिंग को पकड़ के रखा हुआ है। किसी भी मीडियम से, किसी भी मीन से हमने रिंग को पकड़ लिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक मैग्नेट को क्या किया, फ्री फॉल करा दिया। लेट अस सपोज करिए कोई भी पोल ले लीजिए, मान लीजिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया, फ्री फॉल करा दिया। इस इंस्टेंट पे मैंने इसको फ्री फॉल करा दिया, तो ये पहले बेचारा नीचे जाएगा और उसके बाद ये बाहर से निकल जाएगा। ये एक ही मैग्नेट है, दो अलग अलग सिचुएशन है। ये T1 पे मैं बात कर रहा हूँ, ये T2 पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इसका साउथ पोल इधर हो जाएगा, नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा। अच्छी बात है क्या। तो मेरे को जानना है आपसे, ये सवाल जो मैं करा रहा हूँ ये मोस्टली आप सब लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि जो सवाल मैं करना चाहता हूँ उसके लिए मैं ये कंसेप्ट को आपके सामने में डिस्कस कर दूँ। तो आप सोचो कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो आपके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल होगा, और जब नीचे जाएगा तो भी आपके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ A1/A2, या मैं बोलता हूँ कि A1/A2 का रेशियो पूछने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं ऐसा पूछ दूँ कि यहाँ पे, चलिए मैं चार ऑप्शन आपके लिए सेट कर देता हूँ कि A1 = G, A2 = G, दूसरा ऑप्शन मैंने बोला A1 < G, और दूसरा ऑप्शन है A2 < G, तीसरा ऑप्शन मैंने बोला A1 A2 both are > G, एंड द फोर्थ ऑप्शन आर नोटा। मैंने बोला कि चारों में से कोई नहीं होगा। अब सोचिए कि ये प्रॉब्लम आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, हर एक टीचर इस चीज़ को कवर करके देते हैं। अब मेरे को सोच के बताइए कि ये रिंग आपके पास है, अब जैसे ही ये मैग्नेट इसके पास आएगी, आप इसको लेंज लॉ से भी सोच सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी सोच सकते हैं, तो जैसे ही ये रिंग इसके पास आएगी तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा। आप देख सकते हो कि पहले इसका फ्लक्स इस तरीके से निकल रहा होगा, इस तरीके से निकल रहा होगा, इस तरीके से निकल रहा होगा इसका फ्लक्स। लेकिन जैसे जैसे ये मैग्नेट के पास आएगा तो क्या इसका फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल। तो ये जैसे नीचे आएगा उसका फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा, और जब ये फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा तो किसी भी चीज का चेंज इसको पसंद नहीं है, किसी भी चीज का चेंज इसको पसंद नहीं है। तो लेंज लॉ क्या कहता है कि मैं आपको क्या करूंगा, अपोज करूंगा, कि जो भी कॉज है ना मुझे पैदा करने के लिए, उसी कॉज को मैं क्या करेगा, उसी कॉज को मैं अपोज करेगा। तो सोचिए कि आसानी से आप देख सकते हो कि इस रिंग में एक करंट पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बिल्कुल, और नहीं पढ़ा है तो ध्यान से देखिए। तो आप बताओ कि इसमें किस तरीके का आपके पास करंट पैदा होगा। इस चीज को सोचने के बहुत सारे तरीके हैं कि अगर आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखिएगा इधर, कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इस तरीके से करंट को पैदा करूंगा। नीचे की तरफ क्या हो रहा है, आपके पास करंट बढ़ रहा है, तो मैं इस तरीके से करंट बहाऊंगा कि उसको अपोज करे। तो क्या करंट कुछ इस तरीके से बहेगा, बोलिए हाँ या ना, ताकि थंब आपका किधर चला जाए, ऊपर चला जाए, तो ये अंदर और ये बाहर, तो क्या इस तरीके का करंट पैदा होगा कि नहीं होगा, बोलिए। समझ आ रहा है सब लोगों को क्या। इस चीज को समझने के एक और तरीके हैं, और तरीका ऐसा है कि ये मैग्नेट नीचे आ रहा है, तो आपको पता है कि कोई भी रिंग जो है ना एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसको आप आर्टिफिशियल मैग्नेट की तरह बातें कर सकते हो। तो यहां पे आप कैसा बोल सकते हो कि यहां पे मैं ना क्या करता हूं, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बना लेता हूं। अब सोचो कि ये नीचे आ रहा है, तो ये जो आपके पास रिंग है बोलेगा कि तुम मेरे नीचे आ रहे हो क्या, मेरे पास आ रहे हो क्या, मेरे पास मत आओ, ठीक है क्या। इसका मतलब ये इसको अपोज करना चाहेगा, तो इधर साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, इधर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इसका आना इसको पसंद नहीं है। इसका नीचे आना, इसका फ्लक्स का चेंज होना इज द मेन कॉज, जो करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो रीजन है नीचे आना उसको अपोज करेगा। तो अपोज कैसे करेगा, कि इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल, तो जैसे साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, तो क्या आपके पास इसको अपोज कर देगा क्या। अब इस पूरे मैग्नेट पे देखेंगे तो क्या लगेगा, एक तो इसका एमजी नीचे लग रहा होगा, लेकिन इसका मैग्नेटिक रिपल्सन किधर लग जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में लग जाएगा। तो जैसे ही इसका मैग्नेटिक रिपल्सन लग जाएगा, तो क्या जी से गिरना चाहता, अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं रहता तो
बट यहां पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो लेस देन जी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि करंट कैसा आएगा, तो टॉप पॉइंट से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लॉकवाइज करंट आएगा। आप सारे लोगों ने पढ़ा तो होगा ना कि क्लॉकवाइज करंट का मतलब क्या होता है, इस तरीके से एस, और एंटी क्लॉकवाइज करंट का क्या मतलब होता है, एन। कैसा एन, इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हो। ठीक है, अब सोचो कि अगर टॉप से देखोगे तो क्लॉकवाइज करंट, तो देखिए मैंने टॉप से देखेंगे तो क्लॉकवाइज करंट, बॉटम से देखेंगे तो कैसा करंट आना चाहिए था, बॉटम से देखेंगे तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज करंट आपके पास आना चाहिए। समझ आ रहा है क्या? अब आप सोच के बताइए यहां पे कि सेम कहानी यहां पे भी कि अब ये मैग्नेट नीचे निकल चुका है, जब ये मैग्नेट नीचे निकल चुका है तो आप क्या बोलोगे, ये दूर जा रहा है, इसका दूर जाना इसको पसंद नहीं है, तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो आपके पास मैग्नेट है इसका mg नीचे लग रहा होगा, लेकिन इस पर एक और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग जाएगा, क्योंकि अब ये मैग्नेट जो है ना इसको अपने पास बुलाएगा। अनोखा प्यार है, पास आ रहा है तो दूर जाओ और दूर जा रहा है तो पास आओ। ठीक है, तो यहां पे फिर से एक्सेलरेशन देखेंगे आपके पास जी से छोटा हो जाएगा। तो चाहे इस तरह के केसेस में कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमेशा आंसर क्या आता है कि आपका a1 लेस देन g हो जाएगा और आपका a2 क्या हो जाएगा, लेस देन g हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए सब लोग। तो होप मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। नाउ ये प्रॉब्लम तो आपको आ गया, अब मैं इस प्रॉब्लम में थोड़ा चेंज करना चाहता हूं। मैंने बोला कि मेरे पास एक रिंग है, हमारे पास क्या है, फिर से एक रिंग है और यहां पे एक मैग्नेट है जिसको मैंने फ्री फॉल ड्रॉप कर दिया। ये क्या है, फ्री फॉल कर दिया है मैंने मैग्नेट को, और इसको मैं किसी स्टैंड से क्या कर देता हूं, पकड़ लिया है। अब फिर से आपके पास ये नीचे आएगा, तो यहां नीचे आने का एक्सेलरेशन a2 हो गया और यहां से नीचे आने का एक्सेलरेशन a1 हो गया। आप चाहेंगे तो इसको फिर से नॉर्थ और साउथ मान सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से सेम कहानी है, इस बार मैंने पूछा कि बताइए a1 by a2 का रेशियो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 1। मैंने पूछा a1 by a2 का रेशियो कितना हो जाएगा, लेस देन 1। मैंने बोला a1 by a2 का रेशियो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। एंड चौथा तो आपको पता ही कि नोटा, ये सब कुछ नहीं होगा, सब बकवास बातें हैं। ठीक है, अब सोचो, लेकिन एक छोटी सी बात है, ये जो रिंग इस बार मैंने बनाया है, ये रिंग के साथ कुछ खेल है। ये रिंग जो बनाया गया मैंने लकड़ी का बनाया, किसका बनाया मैंने, लकड़ी का रिंग बनाया, वुडन रिंग मैंने बनाया। क्या बनाया है, वुडन रिंग बनाया है। तो अब आपको बताना है कि इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होने वाला है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? पिछला बार जो रिंग था वो क्या था, कंडक्टर का बना हुआ था, लेकिन इस बार जो आपके पास रिंग है कैसा है, वुडन का रिंग है। तो बहुत ही सिंपल सवाल, ये सवाल अगर आया है, अगर आप एक दो मिनट सोचोगे, अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो बढ़िया है, नहीं सोचे तो फिर मुश्किल हो जाती है समझना। आप देखिए, अगर ये वुडन का रिंग है तो चाहे कुछ भी करो करंट इसमें पैदा होने नहीं जा रहा है, और अगर कोई करंट पैदा नहीं हो रहा है तो किसी तरीके का अपोज नहीं किया जाएगा सिस्टम को, तो जो मैग्नेट आ रहा होगा ना, अरे भैया जब तक करंट पैदा नहीं होगा किसी भी चेंज के कारण, चाहे वो फ्लक्स चेंज हो जाए, फ्लक्स चेंज होने के बहुत सारे रीजन है, वेदर यू कैन चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, वेदर यू कैन चेंज द एरिया, और वेदर यू कैन चेंज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, बट यहां पे चाहे बात जो भी हो, अगर यहां पे वुडन रिंग है तो फिर करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जैसे ही करंट जीरो हो जाएगा तो कोई अपोज नहीं होगा, बिल्कुल मस्त बिना किसी मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में आए हुए जी से नीचे गिरेगा और ये बोलेगा भैया अपने साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी नीचे जा रहा हूं। तो चाहे A2 हो चाहे A1 हो, दोनों जी से ही गिरेंगे, और अगर दोनों जी से गिरेंगे तो व्हाट इज द रेशियो, रेशियो इज सिंपली इक्वल टू 1। अरे हाँ ना बोलो, इस सवाल को और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि मैंने बोला फिर से वही रिंग बाक उठा लाए हम, क्या वही रिंग को उठा लाए, फिर से हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये मान लीजिए कि नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और फिर से यहाँ पे मैंने बोला कि हमारे पास ये मैग्नेट जब नीचे आएगा तो ऐसा ही गिरेगा ना, साउथ और नॉर्थ। लेकिन इस बार थोड़ा सा मैंने मजा करा दिया आप लोगों को, और मजा क्या कराया कि अब ये जो रिंग है ना, मैंने बोला कि अब ये जो रिंग है इसका आधा पार्ट जो है ना, इसका आधा पार्ट मैंने बनाया है लकड़ी से, सिर्फ रिंग का आधा पार्ट किससे बनाया है, लकड़ी से। ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे बहुत सारे बुक्स में, ये जो रिंग है उसका आधा पार्ट मैंने बनाया है वुडन से, मतलब लकड़ी से, और आधा पार्ट किसका है, कंडक्टर का है, आधा कंडक्टर का बनाया हुआ है और आधा वुड का बनाया हुआ है। अब आपको बताना है कि इस बार अगर नीचे आने का एक्सेलरेशन a1 है और इसके नीचे आने का एक्सेलरेशन a2 है, तो फिर से a1 by a2 का वैल्यू क्या होगा, सेम रिजल्ट है। टेक ए पॉज, एक मिनट सोचिए, एक सेकेंड सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए एंड थिंक कि वेदर यू आर कैपेबल टू एंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और नॉट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। अगर आप बता पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि अगर सर्किट आपके पास क्लोज है तभी जाके करंट यहाँ पे फ्लो होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर्किट क्लोज तो है लेकिन आधा रिंग किसका बना हुआ है, वुड का।
तो आधा रिंग उड़ का है, तो अगर कंडक्टर में किसी कारण से ईएमएफ जनरेट हो भी जाता है और करंट पैदा भी हो जाता है, पर वो करंट लूप में घूम नहीं पाएगा, क्योंकि उस लूप में घूमने के लिए पूरा का पूरा कंडक्टर नहीं है। तो अगर आधा लकड़ी हो, चाहे एक इंच लकड़ी हो, चाहे एक बूंद लकड़ी हो, लकड़ी बोल रहा हूं लड़की नहीं, गलत सलत बातें मत सोचो। तो यहां पे अगर आधा बूंद भी अगर लकड़ी बचा हुआ है, तो याद रखिएगा टोटल का टोटल करंट इसमें क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। और अगर करंट जीरो हो जाएगा तो फिर से कोई टेंशन नहीं भाई साहब, मचानी लाइफ। बिना किसी मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में आते हुए वो जो पूरा का पूरा मैग्नेट है वो रिंग के अंदर घुसेगा और रिंग से बाहर निकल जाएगा। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगेन A1 बाई A2 का वैल्यू कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। तो होप कि ये जो कंसेप्ट है ना मैग्नेट रिंग प्रॉब्लम का, ये छोटी सी बात आपको जरूर याद रहे कि ये जो आपके इसके पिछले पेज पे जो मैंने डिस्कशन किया, इसके बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन एनी बुक यू कैन फाइंड इट। तो आप वहां से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो होप कि आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे तो और आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बाय गाइज, थैंक यू।